लेकिन अच्छा चलो हम लोग पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस होते कितने टाइप के हैं। तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है तुम्हारा WH क्वेश्चन, एक होता है यस नो क्वेश्चन, और एक होता है क्वेश्चन टैग। क्या होता है? क्वेश्चन टैग। ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल आप लोगों को मिलेंगे जो क्वेश्चन टैग से मिलते जुलते हैं लेकिन वो क्वेश्चन टैग नहीं होते। इसी पे पहले चर्चा करते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने आपको बता दिया, जैसे देखिए मैंने एक कार खरीदी है, किसी एक व्यक्ति ने तुम्हें बताया मैंने एक कार खरीदी है, तो आप उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं या उसको ये फील कराते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, तो नॉर्मली क्या बोलते हैं? अच्छा, तो तुमने कार खरीदी है, उसके बाद आप उससे एक्स्ट्रा सवाल भी पूछते हैं, किस रंग की है, कि कौन सी कंपनी की है, कौन सी मॉडल है, वगैरह वगैरह। अगर किसी ने एक और सवाल आपसे कहा, कल मैं मीटिंग में नहीं आया था, तो बी वाला व्यक्ति क्या कहता है? अच्छा, तुम नहीं आए थे, ये क्या शो करता है कि आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो जब भी आप किसी की बातों को सुनते हैं, अटेंशन देते हैं, तो इंग्लिश में उसको कैसे लिखते हैं? और हिंदी में तो हमने लिख दिया अच्छा, लेकिन इंग्लिश में? तो इसी चीज को हम लोग इस लेसन में सीखेंगे। इसके अलावा इसका एक अपोजिट चीज भी होता है, जैसे मान लीजिए तुम कल नहीं आए थे ना, तुमने टास्क पूरा कर लिया है ना, इट मीन्स ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो एक होता है बातों में इंटरेस्ट दिखाना और एक होता है अलग तरीके से संदेह वाला क्वेश्चन पूछना। दोनों दिखे एक ही तरीके से जाते हैं लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। ठीक, एक एग्जांपल से मैं दिखाता हूं, फिर उसके बाद आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ए ने कहा, आई डिडंट कम टू द मीटिंग yesterday, I didn't come to the meeting yesterday, मैं कल मीटिंग में नहीं आया था। अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी बातों में इंटरेस्ट, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है और आप उसको ये फील कराना चाहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं या मैं तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? देखिए, इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट आंसर भी देते हैं। जैसे किसी ने कहा, डू यू लाइक मैंगोज, आप आंसर देते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर होता है तो कैसे आंसर देते हैं? यस आई डू। कैसे आंसर देते हैं? यस आई डू। और नेगेटिव आंसर देना होता है तो क्या बोलते हैं? नो आई डोंट देते हैं। तो ये क्वेश्चन का रिप्लाई हुआ। क्या हुआ? क्वेश्चन का रिप्लाई। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कहा, ध्यान से ऐसे देखना, किसी व्यक्ति ने कहा आई लाइक मैंगोज, उसने आप इसके पीछे वाले सेंटेंस में क्या था? उसने आपसे पूछा कि क्या तुम्हें आम पसंद है? अगर पसंद है तो आप क्या बोलेंगे? यस आई डू। और नहीं पसंद है तो नो आई डोंट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बता रहा है, पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है कि मुझे मैंगोज पसंद है, आई लाइक मैंगोज, तो आप उसको कैसे रिप्लाई कैसे करेंगे, उसकी बातों में इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे जो वर्ब लिखा हुआ है, अगर ये भी वन भी टू या भी फाइव हो तो डू डज डिड वगैरह हम यूज करते हैं, और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ये भी वन है तो भी वन का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू। तो आप क्या लिखेंगे? डू। और आई, अगर क्वेश्चन आई से होता है या सेंटेंस आई से होता है तो उसका क्वेश्चन या आंसर अपोजिट हो जाता है, तो डू यू मतलब अच्छा तुम्हें पसंद है। और अगर यहीं पे उस व्यक्ति ने आपसे कहा होता I don't like mangoes, क्या उसने कहा होता? I don't like mangoes, तो आप क्या करते? इस don't को यूज करते,
क्या लिखते? ओ डोंट यू, मतलब तुम्हें आम पसंद नहीं है? पहले वाले में उसने क्या कहा? मुझे आम पसंद है। अच्छा तुम्हें आम पसंद है। दूसरे में उसने क्या कहा? मुझे आम पसंद नहीं है। तो आपने क्या कहा? अच्छा तुम्हें आम पसंद नहीं है। इसका मतलब ये कि जब अगर नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ब होगा तो पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं रिस्पॉन्स देने के लिए। क्या देने के लिए? रिस्पॉन्स देने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन टैग की तरह दिख रहा है, ये क्वेश्चन टैग की तरह नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन टैग कहाँ होता है? क्वेश्चन टैग सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल किया जाता है। आई लाइक मैंगोज, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? डोंट आई, पहली बात आई है तो आई ही लिखते हैं, यहाँ पे यू नहीं लिखते हैं, नंबर वन बात। दूसरी बात, पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव लिखते हैं। और यहाँ देखिए, आई डोंट लाइक मैंगोज तो यहाँ लिखेंगे डू आई। आई है तो आई ही लिखे, नेगेटिव था तो पॉजिटिव और पॉजिटिव था तो नेगेटिव लिखे। ये क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने संदेह को व्यक्त करते हैं। पढ़ रहे हो ना, लिख रहे हो ना, सो नहीं रहे हो ना, खेल नहीं रहे हो ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। हम लोग सामने वाले की बातों को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको ये फील कराते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। समझ में आई बात? किसी ने कहा अरे मोहन आ गया है, अच्छा मोहन आ गया है, समझ में आई बात? अब जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली। आपने किसी से बताया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या किसी ने मुझसे बताया दिल्ली जा रहा हूँ, तो अच्छा आर यू, इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक। और अगर यहीं पे उसने नेगेटिव बना लिया, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आरंट यू, अच्छा दिल्ली नहीं जा रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको ये दिखा रहा है कि आप किसी की बातों में क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो जब आप किसी की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं तभी तो व्यक्ति आपसे आगे बात करता है। तो इंटरेस्ट दिखाने के लिए भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव। केवल एक जगह आपको थोड़ा सावधान रहना होता है कि अगर आई से सेंटेंस है तो रिस्पॉन्स दिखाने में यू से, और अगर यू से है तो यस। अगर किसी ने आपसे कह दिया यू आर लेट अगेन, तुम फिर से लेट हो गए हो, तो क्या बोलोगे? एम आई, अरे मैं लेट हो गया हूं। कहने का मतलब क्या है कि आप रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। तो यूनिट 40 अगर आप अपने बुक में निकालें तो देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, आई हैव बॉट अ न्यू कार। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से क्या कहा? आई हैव बॉट अ न्यू कार। तो उसने आंसर कैसे दिया? ओ हैव यू, मैंने एक नई कार खरीदी। अच्छा तुमने नई कार खरीदी है? उसने कहा आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूं। तो उसने कहा ओ आर यू रियली, व्हाट अबाउट, क्या सच में तुम कोई किताब लिख रहे हो, किस चीज के बारे में है वो किताब? थर्ड सेंटेंस है, आई डोंट लाइक जॉर्ज, मुझे जॉर्ज पसंद नहीं है। तो उसने क्या कहा? डोंट यू, तुम्हें जॉर्ज पसंद नहीं है, वाई नॉट, क्यों पसंद नहीं है? यानी कि जब भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तो रिस्पॉन्ड करते समय आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें वही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है? वही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में और नेगेटिव है तो नेगेटिव में। V1, V2 और V5 में बस आपको यह ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब V1, V2, V5 के साथ नॉर्मली दिखता नहीं है। तो V1 रहेगा तो डू, V2 रहेगा तो डिड, और V5 रहेगा तो डज यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। जैसे देखिए, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, यू आर लेट, यानी एक व्यक्ति ने आपसे क्या कहा? यू आर लेट। आपने आंसर क्या दिया? ओह एम आई, अरे सच में मैं लेट हूं। फिर उसने इस पे अपनी क्षमा व्यक्त भी की, आई एम सॉरी। एक और एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है, इट आई वॉज इल लास्ट वीक, आई वॉज इल लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह क्या था? तो सामने वाले ने फिर क्या कहा? वर यू, तुम बीमार थे, आई डिडेंट नो दैट, मुझे ये पता नहीं था। इट इज रेनिंग अगेन, इट इज रेनिंग अगेन, इट इज रेनिंग अगेन। तो उसने आंसर क्या दिया? इज इट,
तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति की बातों को सुनकर या तो सरप्राइज हो जाते हैं या उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। सरप्राइज कब, कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको सुनते ही आपको लड़े ऐसा कैसे हो गया, तो आप उस पर सरप्राइज के रूप में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो और नहीं तो किसी की बातें सुन के आपको अच्छा लगता है तो आप इंटरेस्ट लेते हैं। तो सामने वाले को फील कराइए कि मैं आपकी बातों में इंटरेस्टेड हूँ, या आप सामने वाले के से ये बात करते समय ये दिखाइए कि मुझे आप तुम्हारी बातों को सुन के आश्चर्य हुआ। तो आप इस तरीके के रिस्पॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन टैग नहीं है, क्वेश्चन टैग से इसको कन्फ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन टैग में तो उल्टा होता है, क्वेश्चन टैग नहीं है। ये बुक पकड़िए, किसका बुक था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन टैग की तरफ बढ़ते हैं। इसी यूनिट का अगला पार्ट है क्वेश्चन टैग, ठीक। चलिए इसको पढ़ते समय हमें एक दो बातों का ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, हम लोगों ने सेंटेंस स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट पढ़े, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है जी, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि हम अपनी बात किसी को बता रहे हैं, किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं। असर्ट करने का मतलब स्टेटमेंट देना, लोग स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव का क्या मतलब होता है, लोगों से पूछताछ करना। देखते हो पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरोगेशन कर रही है, क्या कर रही है, इंटरोगेशन। इंटरोगेशन मतलब पूछताछ, समझ में आ गई बात। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी तीन टाइप के होते हैं, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। तो हम लोगों ने यस नो क्वेश्चन में क्या पढ़ा, यस नो क्वेश्चन में हम लोगों ने यह पढ़ा कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, सब्जेक्ट बाद में रखते हैं, ठीक। जैसे आर यू गोइंग, इज ही कमिंग, इस तरीके से। और जब भी हम लोग यस नो क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाला आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ यस या नो में भी दे सकता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने व्हाट का यूज, हु का यूज, वेयर का यूज, विच का यूज पढ़ा, ठीक। हम लोगों ने एक दो चीज़ें और पढ़ी कि कैसे हम लोग व्हाट के साथ नाउन यूज करते हैं, व्हाट अकेले यूज करते हैं, विच के साथ नाउन यूज करते हैं और विच अकेले यूज करते हैं। विच जब अकेले यूज करते हैं तो सिर्फ थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और विच प्लस नाउन रहता है तो सबके लिए यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग व्हाट और विच में कंपैरिजन करें तो विच तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन हो। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट गेम क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट गेम, लेकिन अगर मैं आपको चार गेम के नाम बताऊं और उनमें से पूछूं तो मैं क्या बोलूंगा, विच इज योर फेवरेट गेम। उसके बाद हम लोग हाउ से सवाल पूछते हैं, हाउ अकेले भी आता है और हाउ के साथ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स लगा के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतनी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था लास्ट के क्लासेस में कि अगर हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन सेंटेंस के शुरू में ना आके बाद में आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं, असर्टिव वाले स्टाइल में कर देते हैं। ये यूनिट अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग, ठीक। क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या होता है, टैग का अर्थ क्या होता है, आप लोग देखते होंगे सोशल मीडियाज पे लोग फोटोज या पोस्ट टैग करते हैं। टैग करने का मतलब अलग से आपका नाम उसमें जोड़ दिया जाता है जिससे कि आपको भी वो दिखाई पड़े। यानी एक हमने नॉर्मल सेंटेंस लिख दिया और लास्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन जोड़ दिया, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा तुम्हें आवाज़ आ रही है ना, तुम मेरी बात सुन पा रहे हो ना, तुम लिख नहीं रहे हो ना, इस तरीके से चीज़ें, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि सेंटेंस नेगेटिव केवल नॉट से ही नहीं बनता है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, याद कीजिए। एक तो नॉट आप लोग पहले से जानते हैं, दूसरा नो, तीसरा नेवर, यस, चौथा नन या नो वन, नथिंग, एक नोबॉडी भी होता है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं। देखिए एक वर्ड होता है लिटिल और एक वर्ड होता है फ्यू। अगर इसमें ए लगा रहेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन अगर ए नहीं होगा, लिटिल और फ्यू अकेले आएंगे तो नेगेटिव होगा। इसके अलावा द से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल्डम। केवल लिटिल और फ्यू याद रखिए। एक वर्ड होता है सेल्डम, एक वर्ड होता है हार्डली, एक होता है स्कार्सली, एक होता है रेयरली, ठीक।
तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके प्रयोग से सेंटेंस क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस फ्यू है तो इसमें वेरी फ्यू भी लगता है। ठीक, तो इन सारे वर्ड्स में से किसी भी वर्ड का प्रयोग अगर सेंटेंस में किया रहेगा तो सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, नेगेटिव। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव क्वेश्चन टैग देना पड़ता है और नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव क्वेश्चन टैग देना पड़ता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन टैग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस मेरा पॉजिटिव हो, क्या हो, सेंटेंस मेरा पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग मेरा क्या होगा, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही लाइक्स क्रिकेट, ही लाइक्स, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, तो यहां पे आपको क्वेश्चन टैग क्या देना है, नेगेटिव, उल्टा कर देना है, ही लाइक्स क्रिकेट। अब बताइए लाइक्स के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज, तो यहां लगाएंगे डजंट, पहले तो लिख देंगे डज। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यहां क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तो उसको लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो आपको समझना है कि वर्ब वो V1 में है, V2 में है या V5 में है। हमने यहां क्या लगा दिया, डज, और यहां पे लिखना है ऐसे NT, नॉट का शॉर्टकट, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, लास्ट में आपको क्या जोड़ देना है, ऐसे NT, ठीक, डजंट। और अगर यहां पे प्रोनाउन है तब तो आप इस प्रोनाउन को लिख दीजिए, और अगर यहां पे नाउन यानी नेम रहेगा तो अगर वो लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है तो शी, और कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट, और अगर प्लुरल है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो चाहे निर्जीव हो, प्लुरल है तो दे लगाते हैं। ठीक, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहां पे सब्जेक्ट क्या रहेगा तो यहां पे क्या लिखना है। ठीक, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन टैग कौन सा हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस पे, ही लाइक्स क्रिकेट की जगह मैं क्या लिख देता, ही डजंट लाइक क्रिकेट। अब देखिए आप लोगों को बार बार मैंने ये समझाया है पहले भी कि जैसे ही आपके पास हेल्पिंग वर्ब यहां पे नहीं था तो अपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, पहले यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब है लेकिन इसमें देखिए एंटी पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर नॉट या एंटी पहले से रहेगा तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और अगर नहीं रहेगा तो लगा देंगे। तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, नेगेटिव। अब आपको यहां पे क्या करना है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ठीक, अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, अगर इस लाइक्स की जगह मैं नेवर लगा दूं, नेवर लाइक्स या सेल्डम लाइक्स, हार्डली लाइक्स, तो भी आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो सारे वर्ड सेंटेंस को क्या बना दे रहे हैं, नेगेटिव। तो सेंटेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉट से नेगेटिव बने, सेंटेंस उन सारे शब्दों से नेगेटिव बन सकता है जिसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है। ठीक, अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो इसकी बनावट कैसी है, जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब या एक सिंगल वर्ब भी हो सकता है, इज एम आर वाज वर जो भी रहे, हाँ, इसके बाद आपके अदर वर्ड्स होते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, बिल्कुल इस हेल्पिंग वर्ब को यहां लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसमें क्या जोड़ देना है आपको, एंटी, क्या जोड़ देना है, और तब इस सब्जेक्ट को हम लोग यहां पे उठा के लेके चले आते हैं, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और अगर सेंटेंस नेगेटिव रहा तो, जैसे सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट में लगा देता हूं, नॉट की जगह कोई भी नेगेटिव वर्ड चलेगा, इसके बाद क्या है, मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब आपको क्या करना है कि ये तो आपको नॉट मिल गया पहले, तो अब आपको नॉट को यहीं छोड़ देना और इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, यहां पे लेके आना है। प्लस सब्जेक्ट, और इसको उठा के यहां पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा कहां तक, कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्वेश्चन टैग क्या जोड़ेंगे, नेगेटिव,
और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब सवाल ये आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिखा है, तो क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखेंगे। ठीक, देखिए सब्जेक्ट्स को लेके बड़ा कंफ्यूजन सा माहौल रहता है हम लोगों के यहाँ। कई जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउन जानते हैं आप लोग? यस, पर्सनल प्रोनाउंस आई वी यू ही शी इट और दे, ये नो चेंज, ये जेव करते हो यही लिख दिए जाते हैं। यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत में हमारा सब्जेक्ट क्या हो, बस कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, तो जब हम लोग उसको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाते हैं तो चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इसका सब्जेक्ट हो दिस या दैट, क्या हो तो इसका हम लोग लिखते हैं इट। ध्यान दीजिए सब लोग, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? इट। अगर यहां पे दीज या दोज हो, क्या हो? दीज या दोज, तो इसको लिखते हैं दे। क्या लिखते हैं? ठीक, उसी तरीके से अगर देयर हो, क्या हो? तो देयर चेंज नहीं होता है। अगर सेंटेंस मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? देयर, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्या होता है? यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस दोज होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। और अगर दिस दैट होता है तो इट होता है। इसके अलावा आपके पास देखते होंगे थिंग वाला वर्ड होता है, नो, एवरी, सम और एनी। इनके साथ क्या लगा हो? थिंग लगा हो। क्या लगा हो? नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग। तो हमारे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? इट। क्यों होता है? क्योंकि थिंग तो निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है और निर्जीव चीजें क्या होती हैं? इट से रिप्रेजेंट की जाती हैं। और अगर इसकी जगह वन या बॉडी लगा हो, क्या हो? नो, एवरी, सम या एनी। और इसके साथ क्या लगा हो? वन या बॉडी लगा हो, वन या बॉडी लगा हो। तो हम लोग इसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? दे। क्या लगाते हैं? तो ध्यान से फिर देखिए, आई वी यू ही शी इट और दे के लिए नो चेंज, दिस दैट के लिए इट, दिस दोज के लिए दे, देयर के लिए देयर। और अगर नो, एवरी, सम, एनी के साथ थिंग लगा होगा तो इट, और अगर इनके साथ वन या बॉडी लगा होगा तो दे। ठीक, चलिए एक सवाल, नथिंग इज रेडी और एक नो वन इज रेडी, इन दोनों का क्वेश्चन टैग हमें बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। अब एक चीज जरा सोचिए, ये इज है और ये नथिंग है, तो नथिंग के लिए तुम यहां पे क्या लिखोगे पहले ये सोचो? इट। तो इट तो सिंगुलर है। अब एक चीज बताओ, ये सेंटेंस नेगेटिव में गिना जाएगा कि पॉजिटिव में? नेगेटिव में। तो क्या इज लिखेंगे कि इजंट लिखेंगे? इज। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया? इज इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक बात बताइए, इस नो वन के लिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? दे। अब बताइए, दे सिंगुलर है कि प्लुरल है? तो क्या इज दे के साथ लगेगा? नहीं। ये जैसे ही यहां पे चेंज हुआ, ये भी चेंज होकर क्या हो जाएगा? आर। और ये आरंट इसलिए नहीं होगा कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? अच्छा देखिए, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक दिमाग में ट्रिक समझ लीजिए कि पहले आप पॉजिटिव यहां पे क्या लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले मत लिखिए, पहले पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। उसके बाद अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट से या सेंटेंस के किसी भी वर्ड से ये अंदाजा लगाइए कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि, अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो कहते हैं छोड़ देंगे, सॉरी नेगेटिव होगा तो जो कहते हैं छोड़ देंगे, और पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे। समझ में आई बात? चलिए अब एक सवाल और, देयर वर नो चेयर्स, देयर वर नो चेयर्स, बताइए तो इसका क्या होगा? देयर का यहां पे क्या लिखोगे? देयर। अब बताओ सेंटेंस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में? नेगेटिव में, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा।
और बताइए वर का, वर का वर वज नहीं, वर देयर। अगर मैं यहां लिखता देयर वाज नो मैन, यहां होता वाज देयर, समझ गए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अगर देयर रहेगा तो देयर, दिस दोज रहेगा तो दे, और दिस दैट रहेगा तो इट, और ये सब रहेंगे तो यहां पे आपको एक चीज और एक्स्ट्रा ध्यान क्या देना होता है कि अगर ये सेंटेंस पहले लिखा होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन जैसे ही इसका क्वेश्चन टैग चला जाता है तो ये दे में चेंज हो जाता है, तो वर्ब किस में चेंज हो जाता है, सिंगुलर से प्लुरल में। इस बात का बहुत बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात और, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन रहे, नाउन माने नाम, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, तो अगर वो सिंगुलर है तो ही शी इट, लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो शी, और कोई निर्जीव होगा तो इट, और प्लुरल है तो बेझिझक उसमें क्या लगा देना है, दे लगा देना है। क्या लगा देना है, दे। चलिए लिखना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके, वीडियो देख के वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, थोड़ा सा इससे बहाने आप लोग वीडियो भी देखेंगे, हैं? हाँ चलिए अब कुछ चीज़ें और। अच्छा आप लोगों को ऐसे भी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या मिलेगा, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, ठीक। यहाँ ऑल की जगह एनी, सम, ये भी हो सकता है, सम ऑफ अस, मेनी ऑफ अस, इससे लेना देना नहीं है। ऑफ के बाद क्या है, अस, देम और you. तो इसका क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो लास्ट में लगाएंगे वी, क्या लगाएंगे you. इसका लगाएंगे दे, और इसका क्या लगाएंगे यू। देखिए क्या एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऑल ऑफ अस आर रेडी, ऑल ऑफ अस आर रेडी, तो अस है तो यहां सब्जेक्ट क्या लगाओगे वी, और आर का आर, ठीक। अगर मैंने लिखता ऑल ऑफ अस आर नॉट रेडी, या नन ऑफ अस आर रेडी, ऑल की जगह क्या लगता नन, तो पहले ये बात बताओ नन लगते ही सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, नन ऑफ अस आर रेडी, अब आरंट से हटके आप क्या हो जाएगा, समझ गए। ये तो था नॉर्मल सेंटेंस, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इम्परेटिव और लेट का यूज करता हुआ और भी दो तीन टाइप का होता है क्वेश्चन टैग वो बता दूंगा, तो क्वेश्चन टैग पे कैसे भी सवाल होंगे आप लोग बना, तो कुछ आप लोगों को नए टाइप्स और फिर उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। इसको यहीं पर हम लोग रोक दे रहे हैं।